ओम शांति। भारत में देवियों का पूजन होता है, शक्तियों का पूजन होता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य शायद सभी नहीं जानते। वास्तव में जब परमात्मा इस धरा पर आए तो उन्होंने आत्माओं को शक्तियाँ प्रदान करी। वो शक्तियाँ अनेक थीं, लेकिन आज हम उनमें से एक शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम पावर टू फेस या सामना करने की शक्ति कहते हैं। सामना करने की शक्ति जीवन की कठिन जटिल परिस्थितियों में बहुत उपयोगी है, और आज के वर्तमान माहौल में इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगी है। ये शक्ति हम राजयोग के द्वारा कैसे अपने जीवन में लाएं, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे ये शक्ति दिखाई दे, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय रजनी दीदी। रजनी दीदी हमारे जापान और फिलीपींस के सेंटर्स की डायरेक्टर हैं। ओम शांति दीदी, वेलकम। शांति, थैंक यू दीदी। हम देखते हैं कि जब भी हमें आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, उसमें योग का या मेडिटेशन का माध्यम हम उपयोग में लेकर आते हैं, तो हमें ये विचार आता है कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं और हम भी, इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले क्यों ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, और जिनको भी आज के समय में सामना करने की शक्ति की आवश्यकता है, ये थॉट्स उन तक भी पहुँचें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ थॉट्स हमारे दर्शकों को और हमें दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने मन में एक पॉजिटिव थॉट लाएं कि मैं बहुत पीसफुल, और निर्भय, ज्योति, स्पिरिचुअल पावर हूँ। मैं अपनी आंतरिक शक्ति, आदि शक्ति कि अनादि आदि में मैं आत्मा बहुत पावरफुल हूँ और रहूँगी। यही पॉजिटिव थॉट हमको अपनी स्मृति में सदा रखना है, ताकि हमारा सोच उसमें ताकत बनी रहे भय से ऊपर उठने के लिए, कि मैं कौन हूँ, मैं पीसफुल और पावरफुल एक स्पिरिचुअल एनर्जी हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आपने बहुत ही सुंदर ये विचार जो हम सभी को दिए कि हम याद रखें अपने अपने आदि अनादि स्वरूप को, कि मैं फियरलेस हूँ, ज्योति हूँ, और अपने अंदर ये निर्भीकता के जागृति अपने अंदर लेकर आएं। जब हम पावर टू फेस यानी सामना करने की शक्ति की बात करते हैं, तो कई बार सामना एक अग्रेसिव, जिसको कहते हैं एक अपफ्रंट आप किसी से जाकर लड़ रहे हैं या कोई ऐसी बात के लिए यूज़ किया जाता है कि हम उनका सामना कर रहे हैं, लेकिन हम इसे आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं, और हम जानते हैं ये हमारे एक मास्टर पावर की तरह है जिसके साथ और भी पावर्स कनेक्टेड हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आप इसे आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कैसे देखते हैं। पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति बहुत अच्छी शक्ति है। जैसे कि आपने बताया कि हम देवियों की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो शक्ति है, वो थी एक शक्ति जो
पावर टू फेस शक्ति थी। तो पावर टू फेस का मतलब यही है कि बहुत सिंपल रूप से, आध्यात्मिक रूप से, कि जो मेरे अंदर कमज़ोरी है या कमज़ोर आदतें हैं, हम उसको फेस करना सीखें। नहीं तो हम दूसरों को फेस करते हैं, उसमें लड़ाई हो जाती है, आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं। परंतु हाँ, कि मेरे अंदर कौन सी एक निर्बलता है, उसको मुझे सामना करना है। जैसे भय है, अब भय से लड़ना होगा, उसको सामना करना है, क्योंकि नहीं तो भय हमको कंफ्यूज कर देगा, भय से हमारे निर्णय ठीक नहीं होंगे। आजकल की परिस्थिति हम देख भी रहे हैं कि भय हम सब के अंदर आ गया कि मुझे कुछ हो ना जाए। लेकिन जब हम अपने को देखते हैं कि मैं एक आत्मा ज्योति, लेकिन एक पावरफुल हूँ, तो ये वाला विचार इतना पॉजिटिव है कि मेरे को अंदर शक्ति जागृत करेगा कि जो मेरा भय आ रहा है, भय वाला विचार, उसको वो ख़त्म करेगा। तो ये है पावर टू फेस। हम अपने अंदर देखें कि जो विघ्न आया है मेरे अंदर जीवन में, जिससे मेरा मन कमज़ोरी का विचार करता है, भय का विचार करता है, या दुख आ जाता है, या उदासी आ जाती है, ये कहाँ से आ रही है? कोई अपनी कमज़ोरी है, बेचैनी आ गई, कहाँ से आ गई? कोई अपनी कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को मुझे सामना करना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा ही यही हाल रहेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब भी हम सामना कर रहे हैं, तो लोगों का सामना कर रहे होते हैं या परिस्थितियों का भी सामना, हम कहते हैं डट के करो, लेकिन जो आपने मूल बात अंडरलाइन करी कि ये वास्तव में अपने अंदर अपनी ही कमज़ोरियों का सामना करने की बात आप बता रहे हैं। क्योंकि अगर परिस्थिति भी आती है, उसके अंदर जो हमारे नेगेटिव चिंतन जो चलता है, इसका मतलब वो परिस्थिति नहीं, वो हमारी ही कमजोरी निकल के आ रही है। हाँ, दो प्रकार की बातें, परिस्थिति, परिस्थिति, पर मीन्स दूसरा, दूसरी, लेकिन जो मैं हूँ वो स्वस्थिति है, मेरे मन में क्या चल रहा है। जो परिस्थिति आई, मेरे अंदर वो योग्यता है कि हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, या हम परिस्थिति के वश होकर के बैठ जाएं डर के मारे। तो स्वस्थिति मींस ये रियलाइज करना कि मैं एक आत्मा जो हूँ, मेरे अंदर एक पावर है, डिग्निटी है, जो मैं सोच सकती हूँ, कोई बात को हम समझ सकते हैं, और जब परिस्थिति आती है उसमें मुझे पॉजिटिव सोचना है। तो पॉजिटिव सोचने से भयभीत नहीं होते हैं। यदि हमारा माइंड नेगेटिव सोचता है, रिएक्शन करता है, तो जरूर है ना, माइंड कोई ना कोई प्रकार के टेंशन में आएगा, फ्रस्ट्रेशन में आएगा। नेगेटिविटी से तो यही क्रिएट होने वाला है, या फ्रस्ट्रेशन, या भय, या कोई प्रकार का अंदर से डिस्टर्बेंस, परेशानी। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो हूँ, मेरे अंदर एक पावर है सोचने की, लेकिन पॉजिटिव सोचना है, ये मेन बात है। दीदी, जब हम कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना है, कई बार लोग अपने जीवन की कहानी बताते हैं, या जो परिस्थितियाँ वर्तमान सारे दुनिया का माहौल है, जहाँ पर भय है, चिंता है, और लाजमी भी है, क्योंकि शायद किसी की जॉब खतरे में है, कोई एक अपनी चार दीवारी में बंद है, या फिर और भी कई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो गई हैं, एक दूसरे की सहायता नहीं कर पा रहे लोग, कोई भी ऐसी परिस्थिति है जो देखने में काफ़ी नेगेटिव है, उसको देखकर या सुनकर भी लोग भयभीत हो सकते हैं, और जो व्यक्ति उस परिस्थिति में है, कई बार वो कहते हैं कि इस परिस्थिति में हम कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो ये तो बाहर की परिस्थिति है, लेकिन यदि हम अपने अंदर सोचें कि हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली जो हमारा मन है, मन के जो विचार हैं, हम एक दूसरे के लिए प्यार वाला भी तो सोच सकते हैं। जो हमारे मन के विचार हैं, उससे तरंगे निकलती हैं। यदि हम आज शरीर से फिजिकली नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने मन से किसी के लिए शुभ सोच सकते हैं, तो वो स्पिरिचुअली हम कनेक्टेड रह सकते हैं, और हम एक दूसरे के लिए नफरत ना करके, नेगेटिव ना सोच के, लेकिन प्यार की भी तो, शुभ भावना की भी तो बात सोच सकते हैं।
जैसे माँ और बच्चे का प्यार होता है, उनके भी तो एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार होते हैं, तो वो भी तो भेजते हैं, चाहे कितने हजारों माइल वो दूर बैठे हैं एक दूसरे से, लेकिन थॉट्स तो चले जाते हैं ना, कनेक्ट करते हैं। तो हम अपने थॉट्स से भी तो कनेक्ट कर सकते हैं ना लोगों के साथ, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे नज़दीक रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं। तो हम अपने मन से रोज़ थोड़ा सा बैठ करके हम उनके लिए भी अच्छा सोचें, लेकिन उसके पहले हमको अपना अपने लिए भी अच्छा सोचना है, अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा सोचना है कि मैं स्वस्थ हूँ, अपने मन के लिए भी अच्छा सोचना है कि मैं पॉजिटिव हूँ, और अपने रिश्तेदारों के लिए भी अच्छा सोचना है कि सब अच्छे हैं। तो ये अच्छे वाइब्रेशन से ही हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। आज देखो किसी के साथ नहीं बनती, वो कितना नज़दीक होते हैं तो क्या होता है ना, उनके भी तो थॉट्स एक दूसरे को निर्भर करते हैं ना, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो इसलिए अच्छे भी तो कर सकते हैं ना। तो ये टाइम आ चुका है कि अपने को परिवर्तन ही करना है अभी, कि हम जो इतने सालों से नेगेटिव ही सोच रहे थे, अभी टाइम आया है हमको फेस ही करना पड़ेगा अपने परिवार के साथ बैठ के। जो भी हमारे अंदर कुछ भी था, वैर था, कुछ भाव था, अभी तो समय है, सामना करो, तो उस वैर को, हेट को प्यार में बदलो। यही है, ये परिस्थिति तो हमको यही सिखा रही है कि कैसे हम आपस में अभी मिल के रहें, दिल में जो भी मतभेद था ख़त्म करें, जो भी हमारे मन में मैल था उसको भी ख़त्म करें, और यही सोचें कि हर आत्मा अपनी जो उसकी डिग्निटी है, वो भगवान की संतान है, तो उसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, तो यदि हम उनकी अच्छाइयों को देखेंगे तो वो कनेक्शन होता जाएगा। यानी आपने कहा कि हम अपने दिल के, जो हमारे दिल में पुरानी पुरानी बातें हैं या हाँ गिले शिकवे हैं, हाँ चाहे अपने परिवार को लेके या किसी भी किसी व्यक्ति के को लिए भी लेके, होते हैं। हाँ उसकी सफाई कर डालें। हाँ ये टाइम है, हम बाहर की सफाई तो करेंगे ही रोज, घर में बैठे इतने दिन, और साथ साथ में ये भी चालू हो जाए, है ना। यदि मेरा मन भारी है, क्यों भारी है ना, किसी के साथ हम उतने प्यार से, रिस्पेक्ट से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, तो अभी टाइम आया है, सामना करो। तो सामना तो इसी से, पॉजिटिविटी से कर लो, प्रेम से कर लो, वो अच्छे भाव से भी कर लो, ये भी एक रास्ता है। तो ये समय हमको अभी एक मैसेज तो दे ही रहा है कि आओ मिलके अभी हम ऐसा काम करें। यानी अगर इस पावर को, पावर टू फेस, अगर हमें अपने जीवन में बढ़ाना है तो हमें अपने दिलों की, अपनी फीलिंग्स की अच्छी तरह हाँ से सफाई करनी पड़ेगी। हाँ दिलों की मीन्स फीलिंग्स, क्योंकि एक है कि सोच, दूसरा है फीलिंग्स। फीलिंग्स बहुत सूक्ष्म होती हैं, और ये जब बन जाती हैं तो रहती हैं अंदर, है ना। तो उसकी सफाई के लिए सुबह शाम दोपहर कुछ मिनट निकाल करके हम अपने को देखें अंदर, कि मैं पॉजिटिव रहूं, हूँ, रहूंगी। हम अपने की इमेज भी ऊपर करें अभी, है ना, कि थे हम पॉजिटिव, फिर भी होना है, और ये टाइम भी हमको बता रहा है। लेकिन हम किसी की बात याद करके फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो बात को हमको याद ना करके उसकी पॉजिटिव बात को भी याद कर सकते हैं। तो जितना हमारा मन जो है पॉजिटिव में रहेगा, उसकी तरंगे पॉजिटिव निकलेंगी। ये हमारे हाथ में है, जैसे प्रकंपन बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं, जो हम सोच सोचना चाहें, इट इज माई चॉइस नाउ। सो मी, आई वॉन्ट टू डिसाइड टू बी हैप्पी, इवन द सर्कमस्टांसिस आर सच, आई कैन बी हैप्पी। मैं डिसाइड करती हूँ दुखी रहना है, तो मैं भी दुखी रह सकती हूँ, ये हमारे ऊपर अभी चॉइस है। बहुत ही अच्छा, आपने एक जैसे सारा जिस जिम्मेवारी है खुशी की, वो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर आपने इंडिविजुअल बताई, के, हाँ क्योंकि कई बार हम परिस्थिति के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं हाँ कि परिस्थिति मुझे दुखी कर रही है या लोगों ने मुझे आज तक दुखी किया, लेकिन ये समय हमें खुश रहने की और अपनी फीलिंग्स को और पॉजिटिव बनाने की हाँ ओर बनाने के इशारा लिए, दे रहा है। और बहुत अच्छा समय मिला है अभी, तो ये जब समय को सदउपयोग करना हमारा फर्ज है, और प्रोडक्टिव रहना इस समय पर हमारा फर्ज है। दीदी, जब आप कहते हैं प्रोडक्टिव रहो, तो आपके क्या सुझाव हैं जो व्यक्ति उसका जो से प्रोडक्टिव वो किसी और रीति से था,
फिजिकली बिजी थे, लोगों के साथ और कुछ कार्य करते थे जिसमें उनका अपने को प्रोडक्टिव महसूस करते थे, तो अब व्यक्ति अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव महसूस करे जब उसके पास वो फिजिकल कार्य करने को ना हो जो उसको वो फील गुड फैक्टर कराता था कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ या मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ या आज मैंने इतनी सेल्स कर डाले? तो वो तो फिजिकल था, ये स्पिरिचुअल सेल करना है. स्पिरिचुअल मीन्स आप कितने लोगों को खुश कर सकते हो, कितने लोगों को आप संतुष्ट कर सकते हो अपने मीठे बोल द्वारा, अपने आपस में बैठ करके अच्छी बातें जो पुरानी हैं, जो हमारी अच्छी बातें हैं उसको ही हम याद कर लें. अच्छा, आपस में मिलके खाना बना करके भी हम एक दूसरे को खुश कर सकते हैं, है या नहीं? और नया कुछ सीख सकते हैं जो कभी टाइम नहीं था, अभी टाइम है सीखने का. इंसान चाहे क्या नहीं कर सकता, टाइम मिला है ना, समय ही तो मेन चीज़ है. अभी तक हम बाहर घूम रहे थे, भाग रहे थे, चलो वो भी जरूरी था. अभी हमारे जीवन में ये भी समय आ गया है, तो इस समय हम बैठकर मेडिटेशन भी सीख सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, हम अपनी अच्छी बायोग्राफी भी लिख सकते हैं, पता नहीं कितने काम हम कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके भी सीख सकते हैं. तो ये समय आ चुका है कि हम अपने को भी ट्रीट करें, हम अपने को भी टाइम दें और बैठ करके 2-3 मिनट भगवान से भी बात कर लें, क्योंकि भगवान तो अवेलेबल है ना, वो तो अवेलेबल है, उसको तो कोई काम और नहीं करना है भाग दौड़ का, लेकिन हमारा उससे कनेक्शन रहे, उस डिवाइन से कनेक्शन रहे और उससे हमको इंस्पिरेशन भी मिलती रहे, वही योग है ना. ये अच्छे विचार आते रहें, सुंदर ख्यालात आते रहें और हमारा सारा दिन ही सुंदर ख्यालात में बीत जाए, उसी को हम मेडिटेशन कहते हैं. दीदी, जैसे आपने इससे पहले जो बात करी कि दूसरों से मीठे बोल बोलें, मान लीजिए किसी से बड़े कड़वे बोल बोले हों किसी ने और अब उसे रियलाइजेशन हो रहा है, अब वो दोबारा उनसे बात तो नहीं कर सकते, तो क्या विधि है कि हम अपने जो पुराने फीलिंग्स हैं उनसे अपने आप को फ्री करें? क्योंकि शायद वो व्यक्ति अब हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं है या हमारी हिम्मत नहीं है उनसे दोबारा बात करने की, या कोई ऐसी परिस्थिति है कि हम नहीं बात कर सकते, तो कैसे अपने फीलिंग्स जो हमारे अंदर पुराने जो पेंट अप बैड फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और अपनी जो इनर क्लेंजिंग की आपने बात करी उसका प्रोसेस क्या है? मैं समझती हूँ कि हम थोड़ा टाइम जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम उस जिसके साथ भी हमारा कुछ भी होगी, फीलिंग्स डिस्टर्बेंस की किसी भी प्रकार की होगी, तो हमको अपने मन से भी उसको क्षमा करना है और क्षमा मांगनी है. हम थॉट्स में ही कर सकते हैं, चलो हम बोल नहीं सकते, चलो और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने मन में विचार करना है कि मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और मुझे क्षमा कर दो. तो हम अपने मन के अच्छे विचार, ये पॉजिटिव विचार करके उसको हमको भेजना है ताकि उसको मिले, वो उसको भी फीलिंग अच्छी आए. और दूसरा मैंने ये देखा है कि हम अपने मन में भी उसके लिए उसकी जो विशेषता है ना वो सोचें कि इसके अंदर भी अच्छाई है, चलो उस समय ऐसा हो गया था लेकिन वो भी तो अच्छी इंसान है, उसने भी अपने जीवन में अच्छी अकम्पलिशमेंट की हैं, उसकी भी बहुत अच्छाइयाँ हैं. तो जब हम अच्छाई सोचने लगते हैं हम कनेक्ट कर लेते हैं और उनको पहुँचने लग जाता है, तो उनसे भी आपको अच्छी एनर्जी आएगी, वाइब्रेशन आएंगी, उससे भी आपको अच्छी फीलिंग्स आएंगी और आपको हल्का लगेगा, लगेगा कि आज कुछ बोझ उतर गया है. क्योंकि वास्तव में बोझ तो हमारे मन पे ही होता है जो हम बार बार सोचते हैं, तो हम अपने मन से ही जैसे आपने कहा या तो माफी मांग लें या माफ कर दें और अपने दिल के जो फीलिंग्स हैं उनको बिल्कुल हल्का कर दें ताकि मन जो है हल्का हो जाए. जब मन हल्का होता है तभी हम और भी अच्छाइयां भगवान से ले सकते हैं, नहीं तो हमारी प्लेट फुल है नेगेटिविटी से, तो उसके अंदर वो अच्छाइयां दिखाई भी नहीं देती, हम कैच भी नहीं कर सकते. तो अगर हम एक गुण जिसको हमें अपने जीवन में बढ़ाना है, यदि हमें अपने अंदर ये पावर टू फेस लानी है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप क्या कहेंगे? विल इट बी फॉरगिवनेस? मैं समझती हूँ कि एक ये क्षमा भी है
और दूसरा पॉजिटिव रहना है। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे लाइफ में, बिगड़ते काम भी ठीक हो जाते हैं, मैंने ये देखा है। तो क्षमा तो बहुत हाई लेवल स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन शुरू तो हम कर दें पॉजिटिविटी से, आज से ही शुरू कर दें कि मेरे को पॉजिटिव रहना है, हर एक की बात प्यार से सुननी है, हर एक को रिस्पेक्ट देना है, और हर एक की बात जो सुनी वो पॉजिटिव ही लेनी है। इतना ही शुरू कर दें तो उससे हमारे सामना की शक्ति बढ़ती जाएगी। यानी कोई कुछ भी कह रहा है, हम अज्यूम ना करें, हाँ। और हम उसको एक एक पॉजिटिव और एक अच्छी स्पिरिट के साथ सुने और एक्सेप्ट करें। जैसे कि हमने चर्चा करी कि राजयोग माध्यम है अपने अंदर इस शक्ति को बढ़ाने का, और ये एक आध्यात्मिक शक्ति है, तो क्यों ना आप हमें थोड़ा सा राजयोग का अभ्यास कराएं, जिससे ये शक्ति हमारे जीवन में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में और बढ़ सके। तो ठीक है, अभी हमारे पास थोड़े से मिनट हैं, हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार, अपने मन में ये सोचिए कि मैं निर्भय, पावरफुल, चैतन्य, लिविंग एनर्जी हूँ। ये शरीर बहुत अमूल्य है, लेकिन इस शरीर में रहने वाली, सोचने वाली एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, वही मैं हूँ। मैं पीसफुल, पॉजिटिव हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अपने लिए पॉजिटिव सोचना, परिस्थिति के लिए पॉजिटिव सोचना, अन्य लोगों के लिए भी पॉजिटिव सोचना, इस पावर को सारे दिन में बोलते समय, सुनते समय हम अपने मन में याद रखें कि मैं पॉजिटिव, पीसफुल, निर्भय, पावरफुल एनर्जी सोल आत्मा हूँ। शांति दीदी, आपने हमें ये जो अनुभव कराया, इससे हमें भी बड़े यहाँ के वातावरण और वाइब्रेशंस भी चेंज हुए, और हम आशा करते हैं कि जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अगर वो भी इसको करेंगे तो यही अनुभव वो अपने घर पर भी कर सकते हैं, और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जहाँ पर पॉजिटिविटी है, जहाँ पर अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज़ की स्मृति है, तो हम उसको पार कर सकते हैं। तो अगर इन कंक्लूजन हम कहें, कौन सी वो मुख्य बातें हैं जो व्यक्ति आज के समय में ध्यान रखे और प्रैक्टिकल में करे, जिससे वो अपनी इस शक्ति को दिनों दिन बढ़ाता जाए, अपने में होपलेस ना फील करे, क्योंकि कई बार जब शक्ति बढ़ती नहीं है, बार बार वही विचार आते हैं, तो अपने से ही व्यक्ति निराश हो जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? फाइनल तो यही कहेंगे कि सारे दिन में हम 5 बार अपने मन में ये अच्छा विचार दोहराएं,
जब हम सुबह उठते हैं, एक मिनट दो मिनट के लिए हम अपने मन में अपनी पोजीशन को बनाएं कि मैं एक बहुत पीसफुल सोल हूँ, और फिर दिन में खाना खाते समय, खाना खाने से पहले फिर रिवाइज करें, मैं पीसफुल भी हूँ, पॉजिटिव भी हूँ। फिर उसी के बीच हम देखते रहें कि मेरा मन रिएक्ट तो नहीं कर रहा, भारी तो नहीं हो रहा, पॉजिटिव है। यदि नहीं है तो फिर रिवाइज करो, मैं कौन हूँ, अपने को स्मृति में लाओ, ताकि आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे। जैसे दुनिया में लोग जिम जाते हैं स्ट्रेंथ बनाने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए, ये भी एक एक्सरसाइज है थिंकिंग की। जब भी हमारे थॉट्स डर में जाएं, उसको फिर निकाल कर के इसमें ला दो कि मैं कौन हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं कौन हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं कौन हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ। तो हम अपनी डिग्निटी को जानें, हम अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा याद रखें, ताकि और प्रकार के विचार यहाँ वहाँ से हमारे मन को भयभीत ना करें, ताकि हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े उन चीज़ों का जो दुनिया में हो रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ देखते हुए सुनते हुए संयम पालन करते हुए अपने संकल्पों को हम अच्छा बनाते जाएं। यही कंक्लूजन है। बहुत ही सुंदर दीदी, जो आपने हमें ये कंक्लूजन दिया, और हमने ये जाना कि यदि हम अपने जीवन में सामना करने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी फीलिंग्स को प्योरीफाई करना पड़ेगा, अपने दिलों को साफ करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति जिनसे हमें दुख मिला है या जिनको हमने दुख दिया है, हम उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन संकल्पों के द्वारा हम या तो माफ़ी मांग लें या माफ़ कर दें। तो जब हमारा दिल साफ हो जाता है, अंदर की फीलिंग्स प्योर होती हैं, तो हम परमात्मा की शक्ति को भी कैच कर सकते हैं। तो पावर टू फेस बाहर हमें फोकस न करके हमें अपने विचारों पर फोकस करना सिखलाता है। तो जहाँ पर विचार पॉजिटिव हैं, शक्तिशाली हैं, तो कैसी भी परिस्थिति हो, हम उसको हंसते हुए खुशी से पार कर सकते हैं। ओम शांति।